जो बात हम सत्य कहते हैं झूठ नहीं है, 10 दिन के अंदर वो सत्य समझ में आ जाएगा कि सत्य है कि झूठ है। महाराज जी, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती है आपकी? हम भीख मांग के लाते हैं। हम एक ब्राह्मण के घर गए थे, हमने बोला हमारे पास सामान नहीं, आप चढ़ा दो। नहीं चढ़ाया, 3 दिन के बाद हम फिर उतरे भूखे प्यासे। एक तीन टाइम प्रसाद पानी वाले एक टाइम पाते हैं, देख लो शरीर देख नहीं लो। सही, वो तो दिख रहा है जी। इसीलिए तो महाराज जी बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अंदर है। तो महाराज जी कोई दिक्कत नहीं। सब हानि पहुंचाने के लिए आते हेलो हैं, दोस्तों, इसलिए बात चित्रकूट लाइव में करना। आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, आज हम चित्रकूट के जंगल में आए हुए हैं, जो सिद्ध स्थान है। यहाँ पर बहुत ही सिद्ध महात्मा लोग रहते हैं और यहीं रह के तपस्या करते हैं। तो आज हम आपको उन्हीं से मिलाने वाले हैं, और जो यहीं पे हमेशा ही गुफा के अंदर रहते हैं और कहीं जाते नहीं है। जब उनको कभी भोजन पानी घटा तभी वो जाते हैं, नीचे उतरते हैं और जो थोड़ी बहुत खाने को मिला वही लेके आते हैं और वही खाते हैं, और किसी से मांगते नहीं है कि आप हमें दे दो ना दो। जो मिल गया तो ठीक, ना मिला तो अपना ऐसे ही रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं संतों से मिलाने वाले हैं जो यहाँ पे अंदर, एक आपको देख सकते हैं यहाँ पे मेरे नीचे, यहाँ पे एक गुफा टाइप बनी हुई है और यहीं पे नीचे रहते हैं। तो आज हम आपको उन्हीं के दर्शन करवाएंगे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे खाना पीना उपलब्ध हो पाता है और कोई समस्या तो नहीं है। दोस्तों, हम चलेंगे नीचे और उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, और जो भी हमसे बन पड़ेगा थोड़ी बहुत हम उन्हें देने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं, आइए चलें। तो जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं, ये नीचे एक गुफा टाइप बनी हुई है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अंधेरा है, यहाँ पे चश्मा उतार रहा हूँ। यहाँ देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं। महाराज जी, सीताराम। तो यहाँ पे महाराज जी हैं शायद अंदर। सीताराम महाराज जी, सीताराम, तपस्या चल रही है क्या? भोजन पानी बन रहा है? सीताराम, सीताराम, सीताराम महाराज जी। तो महाराज जी हैं, महाराज जी अंदर शायद तपस्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे क्या महाराज जी? तो महाराज जी बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अंदर है। तो महाराज जी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब हानि पहुंचाने के लिए आते हैं, इसलिए बात नहीं करते। नहीं महाराज जी, हम आप तक थोड़ी सेवा पहुंचाना चाहते थे। सेवा पहुंचाने में यही हल तो किसी ने धोखा के अलावा सच नहीं। बात तो सही कह रहे हैं। अभी हमारा झोला आज तक नहीं मिला, बैग झोला हमारा गायब, इसीलिए कहने चाहे मिलिट्री लगा जाए, फोर्स लगा, 41 दिन के लिए छूट दे या तो जादू। जी जी, हमारा हर सामान जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। जी जी, यहीं से चोरी हो गया महाराज जी सामान? हमारा यहीं से नहीं, काठीगढ़ से, कामतानाथ से, जहाँ वहीं से। अच्छा अच्छा, तो कामतानाथ में तो इस समय बहुत चोर लग रहे हैं, अब क्या बताया जाए। अभी नीचे महाराज जी से बात हो रही थी काफी देर तक, महाराज जी ने कहा ऊपर होंगे महाराज जी, उनको चलो ठीक है महाराज जी। जानबूझ के चोरा, जब हमको पता हम तुमको छूटते नहीं तो हमारे पास क्यों भेजते हो किसी को? नहीं, सही बात है। चलिए ठीक है महाराज जी, आप आराम करिए। तो आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए क्षमा चाहते हैं? नहीं, हम तो खुद क्षमा चाहते हैं कि तुम हमको एक जगह दे दो, चाहे एक जगह तुम सब गांव में रहते हमको जंगल देने दो, अगर हम गांव में जाते हैं तो तुम संगत सब जंगल निकल। जी जी जी, अब हम यहाँ कुछ करने के लिए आए तो हमारे पास आने की किसको क्या जरूरत है? जी जी जी, आते हो तो और हमारा ही सामान चोरी करके ले जाते हैं। जी 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 जी, बहुत से लोग हैं चोरी कर ले जाते होंगे, अब क्या बताया जाए। साधु चोरी महाराज जी आप कर लेते हैं? महाराज जी कर लिए होंगे, बहुत से एक से एक लोग तो आते रहे। इस साधना हमारी करने नहीं दे रहे, पूरी नहीं हो रहे दे रहे, हमने करने जानबूझ के नहीं पूरी होने दे रहे। जी जी जी, तो महाराज जी आपको डिस्टर्ब कर दिया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमने सोचा महाराज जी के दर्शन हो जाए, कुछ दुख दुख तकलीफ होगी। हमने कह दिया, अभी हम पढ़ाई पे हैं तो हमको लड़ने में क्यों डाल रहे? जानबूझ के हमारा कोई डमरू चुरवा रहा है, कोई झोला चुरवा रहा है, कोई कुल्हाड़ी चुरवा रहा है, कम तनाव चुरे, हर जगह से मेक नहीं है, 1000 बज के हम जब अकेले अपने रास्ते जाते हैं दूसरे आदमी के भेजते हो। सही, हम अपने अपने हाथ से अपनी साइकिल लेके यात्रा करते हैं तो दूसरा को क्यों भेजा जा रहा है? या तो मलेट्टी बुला के उसको गोली मरवा के भेजते हैं, जो ये सब चाल चलता है हमको परेशान।
सही, परेशान नहीं करना चाहिए किसी। जब हम तुम्हारा सामान नहीं छूते, हम तुमको नहीं जानते, तो हमको हमको क्यों परेशान करती हो? जी 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 सही। या तुम में सब में जिसका संतोष हो वो रास्ता बता दो, हम वो रास्ता अपना ले, उस पे नहीं है ना। जी जी अब रास्ता तो आप ही बताइए। हम तो रास्ता बता रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं बताना, हमारा सामान नहीं चोरी करना, तो भी नहीं मान। जी 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 तो या तो फिर इसके लिए तुम लोग जिसमें तुम लोग जो चाहो वो बताओ, क्या सत्य है क्या सत्य। अरे महाराज जी, हम तो सिर्फ आपके दर्शन चाहते थे और बाकी कुछ नहीं। दर्शन में नहीं, सब इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम आद्य जितना हमारी तपस्या आदि अधूरा करोगे, सबका अधूरा, सब भागोगे इसी तरह हमारे। जी जी महाराज जी के यहाँ चावल का पैकेट होगा, देख निकाल दो, एक तो इसमें पड़ा होगा, निकाल लो, थोड़ा पकड़ लो। यहीं से हमको परेशानी हुई थी, नहीं हम यहाँ से नहीं जाते, पहले ठीक थे, हम यहीं से परेशान हो नीचे हमारी कुटिया उधर थी अब, लेकिन हम सीधे साधे आदमी, आपने कह दिया यहाँ रहो तो यहाँ हम रहते, निकाल लो। परेशान कर हमको, जहाँ जगह दी जाए हम उसी में सकून। जी जी नहीं तो हमने कहा या उड़िया गुरुदेव आए, अपना आश्रम खुलवाए और जैसे किया है वो हमको ठीक करे, जैसे जैसे जिसके कहने पे हमको दवा पिलाई, डबल मूर्ति बनाई, कैसे क्या करे वो ठीक करे। जी जी जानबूझ के बताए ना, हमारी तपस्या जानबूझ के ले रहे। जी जी महाराज जी, आप यहाँ कब से तपस्या कर रहे हैं? हम तो अब बताए ना, अब हम तुम हमको यहाँ से परेशान करोगे तो हम भाग जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं। ये लीजिए महाराज जी। नहीं आप नीचे रखो। ये लीजिए महाराज जी, किसे जरूरत हो तो मत रखो, लेके जाओ। नहीं नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है, हमने बताया ना। महाराज जी आप तक लाके बन जाएंगे तो हमारे पास जो है तुम आप खा। नहीं 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 कोई महाराज जी, हम आपकी सेवा के लिए हैं, अब जितने महाराज जी हम तक जो बहुत हमसे बन पड़ती है सेवा पहुंचाते हैं, और कैसे रहते हैं यही हम दिखाने का काम करते हैं, जैसे आप रहते हैं कोई दिक्कत परेशानी वही सुनते हैं। वही तो बता रहे हैं, हमारा जानबूझ के मोबाइल झोला में सब पड़ा हुआ है, कामतनाथ से चुराया, कामतनाथ को हम बता रहे हैं ना। या तो जैसे कि दोस्तों जान देख सकते हैं, महाराज जी का बैग चोरी हो गया है, डमरू भी चोरी हो गया है, आधार कार्ड सब भरा है, उस पे हम कहां जाएंगे, मोबाइल भी चोरी। देखिए महाराज जी का आधार कार्ड भी चोरी हो चुका है। महाराज जी क्या नाम से था आधार कार्ड आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार के नाम से आधार कार्ड है। पिताजी का नाम भी पड़ा होगा महाराज जी उसमें? सीताराम। अगर दोस्तों किसी को कामतानाथ में टाठी घाट में अगर महाराज जी का सामान कहीं पे मिले, इस नाम से आधार कार्ड मिले, तो महाराज जी तक पहुंचाने का काम करें आप, हमको हमसे संपर्क करिए, हमारा महाराज जी तक उनका सामान पहुंचा देंगे सुरक्षित। तो देख सकते हैं लोग साधु महात्माओं समेत को नहीं छोड़ते हैं, पता ही उनका सामान भी चोरी कर लेते हैं। लोगों को बताइए वो घर द्वार छोड़ के यहाँ जंगल में पड़े हैं, फिर भी उनका डिब्बा उठा ले जाते हैं, सामान उठा ले जाते हैं, अच्छी बात नहीं है भाई। जो आपकी सेवा हो सके पहुंचाइए, नहीं हो सके तो कम से कम सामान तो ना ले जाइए भाई, वही तो उनके पास ही है। देखिए इस घनघोर जंगल में कोई नहीं है, मधुमक्खियां अलग भन बना रही, लेकिन महाराज जी देखिए आराम से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कल्ले कारी होती है, हमारा डोलू का मंडल ठीक था, ये जादूगर से फूटता है, किसी ने कोई ऐसा करके पट्टे जता है, हमारी साधना नहीं होने देता, जानबूझ के नहीं होने देता, नहीं सारा अच्छा था सब। देखिए महाराज जी का डोलचा भी किसी ने फोड़ दिया है दोस्तों, ये देखिए फोड़ा था हमने, इसीलिए ये देखिए महाराज जी का डोलचा भी किसी ने पचका दिया है। महाराज जी देखिए इतनी छोटी सी उसमें रहते हैं, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है दोस्तों, और अगर आप यहाँ पे आए तो महाराज जी कुछ जरूर लेके आए, देख सकते कितना धुआं यहाँ पे फैला हुआ है। पास सामान मिल जाए, नहीं आपको बोलोगे आधार कार्ड दिखा, हमारे पास नहीं कम का। नहीं सही बात है भाई, अगर सामान चोरी हो गया तो कहाँ से पहुँचाएंगे? नहीं सही जाएंगे, सही कह रहे हैं। एक एक लकड़ी कंडे बिन के हम लाते हैं। देखिए महाराज जी लकड़ी कंडे यहीं से बिन के लाए हैं, इसमें अपना पानी वानी लाते हैं, चूल्हा महाराज जी का, अब ऐसी हालत में रहते हैं, यहाँ भी सामान चोरी हो तो हम बर्तन निकाल दे। नहीं हमको कुछ नहीं बनाना बनाना है। अरे इसमें नमक का पैकेट भी हो गया, अल्लाह कुछ नमक कट्टी रहता है, नमक का पैकेट भी हमारे साथ तो धोखा हुआ, इसलिए एक साथ हम नहीं बना दिखा सकते, ये लीजिए महाराज जी नमक का पैकेट है, ये
तो रह गया थी इसमें जी जी नहीं नहीं हमको खाना नहीं बनाना, हम खाना वाना खा के आए हैं बस, हम हमें आपके दर्शन करने थे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यही पूछना था। गांव में बोला था तपस्या करेंगे 41 दिन बाद छोड़ दो, हम मूरत ध्वज अकेले बनवाएंगे बिना पैसे के, लेकिन अब नहीं बनवाएंगे, हमारी तपस्या खंडित हो गई, दो दिन की खंडित हो गई, नहीं बनवाएंगे, पूरी जिंदगी हमने कह दिया जी एक जी। बार नहीं हजार बार नहीं, पूछ लेने लो जी जी जी। जब हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके तो तुमको साथ क्यों लेके चले, इसलिए हम अकेले चलते हैं, तो वो लोग हम जानबूझ के हम पे तुमको पकड़ के झगड़ा क्यों कराते हो हमको, जब हम तुमको छूते नहीं तो हमको झगड़े पे क्यों डर रहा है, हम अपनी तपस्या पे चल रहे हैं जी जी जी। जानते हैं हम छूते नहीं तो कोई हमारा कमंडल लेके भक्त कोई कुछ लेके तो कर लेते, बता इस तरह की समस्या है, लोग लेके भग जाते हैं सामान लेके ले जाते हैं, इसीलिए हम तपस्या कर रहे हैं कि हमारा सामान कोई छुएगा ना तो सीधा जगह नहीं है पृथ्वी में, कहीं जगह नहीं भाई, किसी का सामान पड़ा है तो छूने की जरूरत ही नहीं है, हमने कहना हम करोड़ रुपया नहीं लेते, किस तुम पैसा डाल जाओ हम नहीं लेते, हमारी इच्छा में किसी का पैसा नहीं लेते, हम साइकिल से यात्रा जी। देखिए महाराज जी, अगर किसी का सामान भी पड़ा तो महाराज जी हाथ नहीं लगाते, कोई इच्छा से दे दे तो ठीक है, ना दे तो उसकी वो मानवता है, हमको न ये बताया ना हमारे पास आप इस पे बना खाओ कितना पन्ना हो रखा है। नहीं महाराज जी आपसे क्षमा चाहते हैं, आपकी तपस्या में अगर विघ्न डाला हो तो जी जी कह रहे हैं ना, हमारे पास आओगे तो हम कहते हैं ना हम जो है हम कहते हैं करके दिखा देते, जब ऊपर से तुम ऐसा चीज रख दिया जाता है हमारे अंदर कि वो क्यों रखते हो, सही हमको परेशानी हो, हम तुमको नहीं देखते, तुम्हारे आरती भजन तुम क्या कर रहे हो, हमारी तपस्या खंडित कर रहे हैं, रोक रहे हैं रख के अंदर, कुछ हमारे आने से पहले रख दिया जाता है। अच्छा पहले ऐसे ही दरवाजा बंद रहता है महाराज जी, अब हमको पता होगा हम टाटी घाटे जाएंगे तो जाने से पहले वहाँ आदमी पहुंच जाएंगे, वो ऐसे परेशान करने के लिए रख दिया जाएगा, हम अच्छा। तुम्हारी नहीं जानते तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम आरती क्या कर रहे हो, तो हमको क्यों ऐसे परेशान कर दे करके, हम आरती करते यहाँ डबल मूर्ति हमारी क्यों बनाई, दवा हमको क्यों पिलाई, ये सब हमको हमारा शरीर एक 60 किलो था, अभी हमारा शरीर तौल के देख लो कितना बचा हुआ, ये सब इन्हीं के दूसरे के कारण हम आज कैसे हो गए, शरीर देखो हमारा जी जी, दूसरे जी। लोग के कारण जी जी, खाने में उल्टा कसीद, हमको खाना होगा कुछ वो लोग मिला के दूसरा खिलाएंगे, सही समस्या है, तो इसीलिए हम पानी भर खाली पी के रहेंगे, मर जाएंगे ठीक रहेगा लेकिन श्राप दे के जाएंगे, तुम जैसा हमारे साथ किया तुम्हारे लड़के बच्चे पैदा हो तो इससे भी खराब नर्क में जाए जी जी जी, क्योंकि हम किसी के रास्ते में नहीं जाते हैं कि तुम कहो क्या सही कर रहे हो क्या गलत, तो हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो, सही है रास्ता नहीं रोकना चाहिए किसी भी चीज का, हमने कमा रहे थे कमाई हमको छुड़वा दिया, जानबूझ के छुड़वा दिया तो हमको अब कमाई पे क्यों डाल रहे, हम भीख मांग के खा लेंगे, हमने कह दिया हम नहीं जाएंगे जी जी, लेकिन हमारा रास्ता मत रोको, एक नहीं एक बार टाटी घाट में हर जगह का जी जी। महाराज जी पहले टाटी घाट में थे क्या आप, हमने कहा ना हम तपस्या हमारी कुटी वो किनारे में बनी जो ऊपर पहले हम वहाँ तपस्या की, अच्छा वहाँ पर हाँ, अच्छा अच्छा जो सबसे पीली वहाँ हमने एक एक लकड़ डाल के बनाई है, पन्नी ने वो तो अभी हम जैसे चले गए तो हमारे जाने पे कोई रहने लगे तो हम नहीं कह सकते जी जी, तो हमने एक एक लकड़ डाल के वहाँ तपस्या की, फिर वहाँ हमको इसी तरह परेशान किया तो हम फिर भाग गए, टाटी घाट भाग जाएंगे परेशान करेंगे फिर भाग सही तपस्या जब हमारी पूरी होने लगती है ना तपस्या तब वो लोग ऐसा विघ्न डालते हैं जी, हमको भागना पड़ता है पूरी नहीं होने देते, उसी में हमारे ठाकुर जी की मूर्ति राम जी की मूर्ति घंटी सब सामान हम खरीद के एक एक रुपए से लेके आते हैं, मेहनत का वो बैग ही जानबूझ के क्यों छुड़वाया, हम जानबूझ के हरकत की जा रही है हमारे साथ जी, हमको तुमको बता देंगे हम पाल देव जा रहे हैं तो देखना आदमी एक ऑटोमेटिक लगा दिए जाएंगे कुछ कुछ गड़बड़ करने के लिए कुछ, तो हम जब किसी को छूते नहीं तो हमको क्यों परेशान करते क्यों आदमी लगाते हैं, सही महाराज जी सही कह रहे हैं भाई, जो किसी से मतलब नहीं रखते हैं तो उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें तपस्या करने नहीं, हम तो कहा तुम 41 दिन के लिए मिलिट्री लगा दो चाहे जहाँ
हम जो कहते हैं अगर करके नहीं दिखा दे तो फांसी पे लटका देना। जी जी। लेकिन अब हम नहीं करेंगे, दो दिन हमने तपस्या की खंडित हो गई, अब हम भीख मांग के खा लेंगे, हम करें या न करें किसी से मतलब नहीं। जी, नहीं जी। हमने तो अकेले तपस्या करके दिखा देते, कहते यही तपस्या होने नहीं दे। जी जी। जब हम शादी करने लगे थे तो शादी नहीं किया, तो अब हमको शादी क्या है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। सही है, हमारा जीवन अब जो चल रहा है अब उसी में जाएगा, चाहे जितना कोई करे। हमने कहते जो बात हम सत्य कहते हैं झूठ नहीं है, 10 दिन के अंदर वो सत्य समझ में आ जाएगा कि सत्य है कि झूठ है। महाराज जी, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती है आपकी? हम भीख मांग के लाते हैं। हम एक ब्राह्मण के घर गए थे, हमने बोला हमारे पास सामान नहीं, आप चढ़ा दो, नहीं चढ़ाया। 3 दिन के बाद हम फिर उतरे भूखे प्यासे, एक 3 टाइम प्रसाद पानी वाले एक टाइम पाते हैं, देख लो शरीर देख नहीं सही हो तो दिख रहा है। इसीलिए हमने कह दिया ना, तुम चमचा गिरी 420 10-10 गिरी अपने पास करो, हमारे पास मत करो। जी जी। महाराज जी आप कहाँ से हैं? हम तो बताए, हम अपने यूपी से हैं, सुपा गांव हमारा फतेहपुर जिला है। फतेहपुर जिला? जी जी। सुपा गांव है हमारा। यहाँ कब से रह रहे हैं? हमने तो बताया ना, हमको अब हमारा सब डायरी पेन झोला बैग में सब हमारा पड़ा है, हमको अब ये नहीं याद है, क्योंकि हमारे पास झोला ही नहीं, तो हमने तुमको एक एक दिन तारीख दिखा देता। हम तपस्या कर रहे, हमारा जीवन ही तपस्या शुरू से था, आज से बाल अवस्था में। लेकिन अब तुम हमारी तपस्या सब ऐसे ही भंग करी, तो तुम मतलब कहने का मतलब जनताओं ने, तुम लोगों ने, हमने नहीं, हमारा सामान धरा है तपस्या में, तो तुम अंदर जाने से हमारे वैसा क्यों रख देते हो कि हम तपस्या करते हैं भंग हो जाते हैं। तो हम कह रहे ना यही सब रोक लगाई जाए। जी जी। आपको कोई सामान न छुए? सामान न छुए, ये जो इसीलिए हम बता रहे ना, हमको तपस्या में रख दिया जाए कि जहाँ तक कोई हो 1 किलोमीटर तक, यहाँ से हमने कह दिया किसी को दादर चढ़ने उतारने मत दिया जाए, हम करके दिखाएंगे। जी जी। नहीं कर पा रहे हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि 10 चढ़ेंगे वो कुछ में तुम्हारे जरिए कुछ में कुछ भेज दिया जाएगा, इसके जरिए हाँ कुछ में कुछ भेज दिया जाएगा, हमको हानि होगी, इसीलिए हम किसी को ज्यादा नहीं बात करते, अंदर घुसे रहते। जी जी। स्नान करना होगा तो लिखनेगा, नहीं तो नहीं लिखनेगा। महाराज जी और संत महात्मा रहते हैं कि आप भी इस समय? हम तो अभी इस है, आप पता कर सकते, क्योंकि हम दूसरे के बारे में हम नहीं जानते, हम अपने हमको टाइम नहीं है, अपने खोल दरवाजा खड़े। पीठ महाराज जी यहाँ पे बैठे रहते थे ऊपर, वो नहीं है शायद, क्योंकि उस बार आए थे तो वो मिले थे, आप यहाँ पे नहीं थे। आप जाके हमने बताया ना, सुबह से निकले नहीं, आप लोग आए तो हम निकले नहीं, तो हम का पूरा दिन निकल जा, हो सकता है दिक्कत पड़ी तो नीचे जा सकते हैं, हमारी साइकिल नीचे खड़ी। तो महाराज जी रोज नीचे उतरते हैं आप? हमको जब दिक्कत होती तब उतरते हैं, जब कुछ नहीं घटता है राशन पानी जब मांगने जाए। अब हम समझ लीजिए एक बार ही हम चढ़े हैं ऊपर तो हमारी हालत खराब हो गई है, अब घर उतरने चढ़ने में आप 2-3 बार उतरे तो आप बताइए रोज की प्रैक्टिस है आपकी। हमने बताया ना कि हम झगड़ा नहीं करते, तुमको जानबूझ को झगड़ा में करवा के, तो क्यों ऐसा झगड़ा करवाते हो हमारे जी, साथ जी। हमसे किसी से मतलब नहीं, तो हमारे पीछे क्यों लगते हो जी? नहीं अब तक हमारे फलहारी के चेला थे, फलहार से हमको आहार बना दिया, क्यों बना दिए गए, यही गड़बड़ होता है। आप जो कुछ कर पाते हैं तो दूसरा कुछ पाने लगे तो शरीर में गड़बड़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सब इसीलिए हम पंगत पाने नहीं जाते, भंडारा होता था हम पाने जाएंगे, हमको नहीं मिल पाता है। सही। जो नहीं मिल पाता है या तो हमने कह दिया पहले दे दे या बाद में पा। महाराज जी आप खाना बना लीजिए, आपका जल ना जाए क्योंकि धुआं बहुत तेज हो रहा है। महाराज जी कोई अगर गलती हो गई तो माफ करिएगा महाराज जी। हम तो कहते हैं ना हमारे पास आओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, लेकिन हम ही खाली हैं तो। अरे महाराज जी हम जब भी आएंगे नहीं महाराज जी हमसे जो भी बन पड़ेगा हम दोबारा आएंगे तो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। अपने हाथ में इसीलिए नहीं पा सकते कि हम दूसरे के साथ पाएंगे, गड़बड़ करते हैं, वही याद कर रहे थे। हम जाएंगे तो हमको भूखे रहते हैं, इस पे भूखन मर रहा है तो हमको अटल जो नहीं खाते उसको खिलाएंगे जाके, आगे से वो लोग ऐसे जासूस लगाए रहे। जी जी जी। नहीं तो हमने कहा एक एक हम पढ़ाई पढ़ते, तुम चाहे जिसमें लड़ना हो लड़ लेना, पहले हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए।
सही। अभी जब हम लड़ने में थे तो लड़ने, जब कमाई में थे तो कमाने नहीं दी तो कमाई में क्यों डाल रहे, इसीलिए हम लड़ने में नहीं है, पढ़ाई में चल रहे तो लड़ा क्यों रहे। हमारे यहाँ कुल्हाड़ी मार दी गई थी कमता नाथ। अच्छा, तो जब कामता नाथ ने पता हम किसी को छूते नहीं तो क्यों लड़ रहे। हम बात इसीलिए ज्यादा नहीं करते क्योंकि मौन रहना अच्छा है आदमी के अंदर, बताए ना। असत्य ज्ञान जल्दी पहुंचेगा, सत्य ज्ञान नहीं पहुंचेगा। तो महाराज जी आप तपस्या करिए, नमक रख लीजिए महाराज जी ये, और फिर आएंगे कभी आपके दर्शन करने महाराज जी, जब आप खाली हो तो बताइए, हम सुबह सुबह आएंगे। जब आएंगे धुना अपना लगा के बैठे जी जी, हम अपना हट कर बैठे कि हम मर जाएंगे, धुना नहीं छोड़ेंगे। तुमको खेल करना है, हमारे से खेल करके करोड़ रुपया कमाते हो, हमको मर मृत्यु के मुंह पहुंचा दो। जी जी जी, इसीलिए हमने कहा कि खेल अंत दिखाओ, खेल तुम्हारा नहीं हो पाएगा। जी जी, मर जाएंगे, किसी का कहना नहीं करेंगे, सत्य का कहना करेंगे, हमने बिल्कुल बिल्कुल जी जी। ठीक है महाराज जी, अब दुनम बैठिए, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। और चलो तो देखिए महाराज जी थे। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने जो आपको सिद्ध महात्माओं से मिला है, जो यहाँ पे धुना पे नीचे बैठे हुए थे और यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो इनकी बहुत सी समस्याएं हैं कि ये कामतानाथ जाते हैं और टाठीघाट जाते हैं तो इनका सामान लोग चोरी कर लेते हैं। लेकिन ये गलत बात है, किसी भी साधु महात्मा की झोला वोला कुछ न चुराना चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी बहुत सी सामग्री रहती है, जैसे आधार कार्ड रहता है और खाने पीने का थोड़ी बहुत सामान रहता है, पूजा पाठ का सामान रहता है। अगर वही आप चुरा ले जाएंगे तो बेचारे किसी को क्या दिखाएंगे कि हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम यहीं के हैं कि नहीं है, क्योंकि उनका देखिए आधार कार्ड मोबाइल नंबर भी फीड नहीं है, लोग चुरा ले जाते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी आधार कार्ड मिले उनका, तो उनका उन तक पहुँचाने की कृपा करें। और महाराज जी यहीं पर धुना पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी कोई सेवा पहुँच नहीं पाती है खाने पीने की, तो हमसे जो भी बन पड़ा, थोड़ी बहुत हमारे पास पड़ा था तो हमने दे दिया, क्योंकि हम नीचे कई महात्माओं को दे के आए हैं, तो हमारा जो सामान था तो हम बांट गए थे, ज़्यादा लेके नहीं आए थे, तो जो हमारे पास थोड़ा पड़ा था हमने महाराज जी तक दे दिया। अब जब दोबारा आएंगे कभी महाराज जी के पास तो और थोड़ी ज़्यादा लेके आएंगे ताकि महाराज जी तक सेवा पहुँच सके। और आप आस पास देख सकते हैं आज कोई महाराज है नहीं, सब चले गए इधर उधर, इसलिए अब हम लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं जो अब उड़ने लगी हैं, और ये मधुमक्खियाँ लोगों को देख के उसके ऊपर आक्रमण कर देती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, चित्रकूट के बारे में लोग जान सकें, यहाँ पर साधु महात्मा लोग कैसे तपस्या करते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे साधना करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में और ऐसे ही देखते रहिए, महाराज जी की सेवा करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। नमस्कार, जय श्री राम।